सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे कि आर यू स्ट्रिपिंग इन इन मूवी नशा. ऐसा नहीं है कि यू नो बहुत ज़्यादा बोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सी ऐसे ही टाइप के रोल्स करने हैं, ऐसा नहीं है. इस स्क्रिप्ट को मैं सुन रही थी एंड आई वाज लाइक कि बॉस दिस इज पैसा वसूल, यू नो. Poonam Pandey did a sizzling pole dance while shooting a song for her debut film Nasha at a studio in Mumbai. Have a look. Yeah, for the first time, in fact, today itself, I would say. आज ही सुबह सुबह जैसे मैं सेट पे आई और मैंने पोल देखा एंड आई वाज लाइक कि वाओ, मैंने ये तो कभी जिंदगी में किया नहीं, बट आई एंजॉय इट. जो प्रोफेशनल जो पोल डांसर्स होते हैं, डेफिनेटली यू नो आई मीन दे आर ग्रेट, यू नो आई मीन आई कांट कंपेयर माई सेल्फ विद देम. ये तो दिस वाज तो समथिंग जो मेरी खुद की तैयारी थी, जो मैंने करीबन 10 मिनट में किए, तो ये बस उतना ही था. साल के लड़के की है जो कि एक ऐसी औरत से प्यार कर बैठता है जिसको उसने आई थिंक अपने जहन में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ उसके इर्द गिर्द आएगी. तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो एक 18 साल के लड़के के दिमाग के अंदर हो रही हैं. तो जैसे नॉर्मली 18 साल के लड़के या जो बच्चे होते हैं वो नॉटी मैगजीन्स पढ़ते हैं या यू नो सर्फ करते हैं नेट के ऊपर, तो ऐसा सा एक सिचुएशन है जबकि वो अपनी फैंटेसी के अंदर पूनम को देख रहा है. सो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि मतलब जब मैं भी 18 का था तो ये सब ही सोचता था, तो मैंने सोचा कि पूनम से पोल डांस करवाया जाए. ऐसा नहीं है कि यू नो बहुत ज़्यादा बोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सी ऐसे ही टाइप के रोल्स करने हैं, ऐसा नहीं है. आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. वेल, फिलहाल तो मैंने इतना कुछ ऑनेस्टली नहीं सोचा है. वी वुड लव टू जॉइन द 100 करोड़ 200 करोड़. वी वुड लव टू जॉइन एनी सच क्लब. मीडिया को यू नो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा यू नो कंपेरिजन करना ये सब, और यू नो सबकी अपनी अपनी सोच होती है एंड आई कैन नॉट स्टॉप एनी बडीज मेंटेलिटी. अगर उनको ये सोचने में और ये बोलने में पसंद आता है तो प्लीज़ गो ऑन. फिलहाल तो मैं यहाँ पे आई एम नॉट कम्पीटिंग विद एनी बडी, आई एम जस्ट ऑन माई वे एंड आई एम बड़ी बिचारी, आई एम जस्ट डूइंग इट अलोन. दैट शी वुड फिट एनी जॉनर, इट्स लाइक ब्रेथ टेकिंग टू वॉच दिस टैलेंट. शी इज एब्सोल्युटली न्यू, शी इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देर इज एब्सोल्युटली नो इनहिबिशंस दैट शी हैज. शी goes from, she's gone from comic moments in the film to serious moments in the film. मतलब कॉमेडी के मोमेंट्स उन्होंने बहुत अच्छे करे हैं पिक्चर में और सीरियस मोमेंट्स बहुत अच्छे करे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जॉनर जो है, इफ आई कैन आंसर दैट फॉर यू व्हिच इज बेटर, शी वुड बी एबल टू डू एनी जॉनर एंड डू फुल जस्टिस टू इट. मेरे जितने भी मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करती हूँ, तो लाइक ट्विटर, फेसबुक, तो बहुत ज़्यादा मेरे ट्वीट हार्ट से भी यू नो कि दे ऑल लव डेट. बस एक सवाल सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे कि आर यू स्ट्रिपिंग इन इन मूवी नशा. बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है. मैं बोली अब ये मैंने अमित बिलान से नो नॉट दिस टाइम सॉरी शी वॉन्ट मी स्ट्रिपिंग दिस टाइम. ये तो मुझे पता नहीं. एक्चुअली प्रमोशन तो बिल्कुल प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन के हाथ में होता है, वो क्या क्या हमसे करवाना चाहेंगे. हम तो बंदर ही हैं, जहाँ पर बोलेंगे हम अपना खेल दिखा देंगे. मैं पूरा है ना, कहीं पर भी कुछ भी कर देंगे, अपनी पिक्चर को प्रमोट कर देंगे. आफ्टर रिजेक्टिंग लाइक सो मेनी स्क्रिप्ट्स यू नो दिस वाज लाइक हार्ट टच. ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद मुझे ऐसा पर्सनली लगा एज अ व्यूअर, आई मीन नॉट एज पूनम पांडे, मैं इसको बस एक एज अ व्यूअर इस स्क्रिप्ट को मैं सुन रही थी एंड आई वॉज लाइक कि बॉस दिस इज पैसा वसूल, यू नो आई फेल दैट एंड इट्स फुल ऑन एंटरटेनमेंट. तो एवरी सीन एंड एवरी थिंग इट्स फुल ऑन मसाला. तो स्क्रिप्ट इतनी अनयूजुअल है और स्क्रिप्ट कितनी बोल्ड है, हमको दोनों को एक्चुअली वो चीज़ बहुत वी रियली लाइक दैट वेरी मच. कि बोल्डनेस मतलब
कोई इमेजरी की बोल्डनेस या कुछ ऐसी हरकत वाली बोल्डनेस नहीं है, जो थॉट है जिस थॉट के ऊपर ये सारी चीज बंधी हुई है, बेसिकली बोल्डनेस आपकी सोच में होती है, वो सोच बहुत बोल्ड है. और दैट वाज द एक्साइटमेंट फॉर बोथ ऑफ अस टू डू दिस फिल्म. मल्लिका श्रावस्ती बोल रहे थे कि बॉलीवुड में दो ही चीजें होती हैं. I can't comment on anybody's. I mean, it's her way of thinking. If she thinks that ये चीजें बिकती हैं तो बिकती होगी. मेरा तो यार मैं तो honestly I would comment on this. Bollywood Hangama News Network.